तो फ्रेंड अभी रात का टाइम है, देखो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है डे सेकंड, मॉर्निंग का टाइम था और 4 बजे थे। मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को रात बोल दी थी, उसके लिए सॉरी। तो ये देखो फजर का वक्त है और अभी है ना फजर की अजान नहीं हुई है, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे, बैठी थी और आप लोगों को दरगाह दिखाऊँ। तो ये देखो दरगाह खुल गई है, मतलब जो मेन गेट होता है ना वो नहीं खुला था और बहुत शांत माहौल था रियल में, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो अदर कास्ट के लोग होते हैं ना वो परिक्रमा करते हैं, तो वही कर रहे थे। अभी है ना अजान हो जाएगी तो फिर मैं भी नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। तो यहाँ पे है ना कि देखो ये लोग है ना सुबह है ना 4 बजे से उठ जाते हैं। अब मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। तो ये है रोज़ा शरीफ, आप देख लो सरकार का खुल गया था गेट, तो मैंने है ना आप लोगों के लिए क्लिप ले ली। ये देखो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, यहाँ आके इतना सुकून मिलता है और यहाँ से ना मुझे इनकी दुआओं से बहुत कुछ मतलब हासिल हुआ है। सिर्फ एक खुशी बची है तो शायद इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ के आ गई थी, बैठी थी, दुपट्टा ना स्लिप हो रहा था बार बार, तो खुल गया था। अभी हमको जाना है उदयपुर, तो मैं सोची कि अभी बहुत टाइम था तो यहीं दरगाह में थोड़ी देर बैठते हैं, जिस काम के लिए आए थे तो उस काम के लिए दुआ करते हैं कि वो काम अच्छे अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और मॉर्निंग हो गई थी, ये देखो आप लोग, तो चलिए चलते हैं। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ पे ना यासीन शरीफ वगैरह सब कुछ रखी है, कलाम पाक, यासीन शरीफ, जो दुआएं होती हैं उनकी किताब, और ये टेबल रखी है मिलाद वगैरह होती है ना उनके काम आती हैं। और मस्जिद के अंदर भी बहुत सारी यासीन शरीफ रखी है और कलाम पाक रखे हैं। यहाँ पे एक लेडीज़ दुआएं पढ़ रही थी। ये पीछे का गेट है, जब ये उर्स होता है ना तब खोलता है यहाँ पे। और यहाँ पे है ना सिरहाना साइड है सरकार का, पहले यहाँ पे लोग है ना सिक्के चिपकाते थे, बोलते थे कि दुआएं कबूल होती है, तो फिर यहाँ पे बंद मना कर दिया। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं है ना फजर की अजान नमाज पढ़ के अभी आई हूँ, बैठी थी दुआ पढ़ी, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। अब जा रही हूँ रूम क्योंकि हमको उदयपुर निकलना है। चलो चलते हैं। देखो अभी सब सो रहे हैं यहाँ पे,
ये मॉर्निंग का व्यू है, देखो यहाँ सब जा रहा है उदयपुर। अब पता है दरगाह से स्टेशन तक ऑटो नहीं मिल रहा, पैदल चल रहे हैं और 6:50 में ना हमारी ट्रेन है और अभी 6:35 हो गए हैं, देखते हैं क्या होता है। चल रहे हैं पैदल पैदल, थोड़ी दूरी बचा है, देखो ऑटो तक नहीं है। मेरे को जो कठिन हो गए तो फ्रेंड हम लोग उतर गए थे उदयपुर स्टेशन में और ये देखो स्टेशन का व्यू बहुत अच्छा है। मैं गई थी वेटिंग रूम में तो हेयर मतलब सही की कंघी वगैरह फ्रेश वगैरह हो के अब हम निकल गए हैं जिस काम के लिए आए थे वहाँ के लिए, क्योंकि हमारी कल की टिकट भी हो गई है तत्काल में, हमको लेना था तो हमने अपनी टिकट भी ली और हम काम से जिस काम से गए थे वो काम भी हो गया। फिर वहीं जहाँ पे काम था हमारा वहीं पे है सेलिब्रेशन मॉल उदयपुर का, तो हम मॉल घूमे। तो ये देखो ये व्यू है, बैक पोर्शन है ये और फ्रंट का भी अभी मैं दिखाऊंगी। तो इससे पहले भी मैंने शेयर किया है तो पूरा अच्छे तरीके से नहीं दिखाई, नहीं तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो ये पार्किंग एरिया है और ये देखो ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा बाहर से मैंने लिया था और दोपहर का टाइम था ना तो धूप ज़्यादा थी। ये पूरा घूमने का है तो यहाँ पे बच्चे जैसे अगर हो ना तो खेल सकते हैं। ये ड्राइविंग की ट्रेन वगैरह थी, ये जो मैंने क्लिप ली है ये जब लौट रहे थे उस टाइम की है। पूरा ये मॉल के पीछे साइड का है, फ्रंट साइड का मैं लेना भूल गई थी क्योंकि धूप थी भी और हम लोगों को जल्दी घूम के जाना भी था। वैसे तो मैं घूम चुकी हूँ, जो हमारे साथ भैया लोग थे उन लोगों को ये देखो सबको ही हम लोग हैं, पाँच लोग थे तो हम लोग घूमे हैं और कुछ भी नहीं ली मैंने, एक छोटी सी कांच की बोतल ली थी पानी की, बस हो गया। तो यहाँ पे हम सब बैठे थे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे थे, फिर निकल जाएंगे क्योंकि अभी हमको यहाँ से जाना है कपासन। हमारी ट्रेन है 5:00, 5:30 की ट्रेन थी तो हम लोग निकलेंगे तो 6:30-7 पहुँचेंगे और दूसरे दिन फिर हमारी 7:00 ट्रेन है तो पूरा दिन हमें कल वहाँ रुकना पड़ेगा और 7:00 फिर हम निकलेंगे तो तीसरे दिन पहुँचेंगे अपने घर। तो यहाँ पे ये देखो धूप के कारण है ना, गर्मी के ज़्यादा भीड़ वगैरह कुछ नहीं है और ये गेट नंबर 2 था, गेट नंबर 1 उधर साइड से है और ये गेट 2 है जहाँ से बाहर आने का एग्जिट एरिया है। तो ये अब मैं आप लोगों को अंदर का दिखा रही हूँ, तो थोड़ी ही क्लिप ली थी मैंने, ज़्यादा नहीं ली। तो हम लोग 3rd फ्लोर में थे तो वहाँ से मैं आपको पूरा नीचे का दिखा रही हूँ। बहुत बड़ा है सेलिब्रेशन मॉल और जब मैं यहाँ रहती थी ना तो मैंने यहाँ पे बहुत बार मतलब आई हूँ और मुझे आइनॉक्स मॉल ज़्यादा पसंद है उदयपुर का, मतलब वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब बजट से बोलते हैं ना
कि ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट से बाहर है। और ये देखो बच्चों के कितने प्यारी फ्रॉक वगैरह थी। ये हैं भैया ओम प्रकाश भैया, इनका भी पहले चैनल था, इन्होंने डिलीट कर दिया। और सब वहाँ पे रील बना रहे थे, मैं अपने काम में लगी थी तो यहाँ पे मुझे दे रहे थे मोबाइल की रील बना दो भैया लोगों की, तो यहाँ पे मैंने उन लोगों की वीडियो वगैरह भी शूट की। ये देखो ये सारे लोग चढ़ रहे हैं, ये थे मेरे अरमान और उनके स्टाफ लोग थे। तो और ये नीचे का ना सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लग रहा था। और मतलब यहाँ पे आप आओगे ना है तो बहुत अच्छा, मगर एक्सपेंसिव भी है। आप रील नहीं बन फ्रेंड, हम लोगों का पासन जाने वाली ट्रेन आ गई थी। हम लोग घूम लिए हैं, खाना वगैरह सब कुछ खा लिए थे और ये ट्रेन सच में पूरी खाली थी, लोकल थी। और मैं कह रही थी कि ये शख्स मुझे जीने नहीं दे रहा है, मुझे बहुत घुमाते हैं, परेशान करते हैं। तो ये भी मतलब ऐसे बातें कर रहे थे। क्या हुआ, मैं आवाज़ इसलिए रोक दी क्योंकि ट्रेन का हॉर्न था तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी और मैं सबको बाय कर रही थी। ये देखो यहाँ पे थी हम सफ़र एक्सप्रेस और उधर साइड थी दूसरी। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।